कैंट थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे में चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कैंट थाना प्रभारी रवि राय के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान प्रिंस तिवारी पुत्र स्वर्गीय सुरेश तिवारी निवासी बैजलपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया और दूसरा अब्दुल सलाम पुत्र वाजिद अली खान निवासी सहियापुर थाना हरैया जनपद बलिया के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा जटेपुर चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा ये कल शाम के टाइम यातायात किराए पर चेकिंग की जा रही थी, उसी समय सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इन पे जब इनको पकड़ा गया तो ये लोग जिस गाड़ी से थे उससे पूछताछ की गई वो गाड़ी चोरी की थी। फिर इसकी निशानदेही पर जब इनसे और थोड़ा पूछताछ की गई तब पता चला ये लोग चोरी की गाड़ी चुराते हैं, उसको भिन्न भिन्न जगह ले जाके बेचते हैं। इनकी निशानदेही पर रीजनल स्पोर्ट्स कॉलेज के पास में इससे गाड़ी पकड़ी गई थी। फिर सिविल लाइन क्षेत्र में 4 गाड़ी और बरामद की गई, तो कुल 5 गाड़ियां इनकी निशानदेही पर बरामद की गई, जिसमें से 3 गाड़ियों को ट्रेस कर लिया गया है। एक गाड़ी हमारे 966 से चोरी हुई थी, उसके मालिक को बता दिया गया, एक टेंट में ही मुकदमा लिखा है। और एक गाड़ी मुंडेरवा से बस्ती से चोरी हुई थी, वो भी कनेक्ट हो गई, उनको भी सूचित कर दिया गया है। शेष जो अन्य 2 गाड़ियां उनके मालिक पता कर लिए गए हैं, उनको भी जल्द से जल्दी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से यह है कि हाल फिलहाल नहीं, लेकिन इन पर 2 मुकदमे अभी तक हम लोग को मिले हैं जो पहले भी पंजीकृत थे, वो भी चोरी संबंधित ही पंजीकृत थे। ये बेसिकली चोरी हैं, ये विभिन्न प्रकार की चोरियों में ही अभी तक जेल गए हैं। 5 गाड़ियां बरामद की गई, गाड़ियां सब बाहर खड़ी हैं आपके सामने। 5 गाड़ियां बरामद की, इसमें 3 गाड़ियों के जो मालिक हैं उनको सूचित कर दिया गया है। शेष 2 गाड़ियां भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद है शाम तक वो भी ट्रेस करेंगे। निश्चित रूप से इनका यही है कि गाड़ी उठा के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही गाड़ी बेचते हैं। जो गाड़ी 5,000, 10,000, 8,000 जैसा भी रेट मिल जाए, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेचते हैं। और ज़्यादातर ये पुरानी गाड़ियाँ ही उठाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बिकने में बहुत आसानी रहती है उसको। इसी क्रम में 5 गाड़ियाँ बरामद की, अच्छी बात है कि 3 गाड़ियाँ हम लोगों ने ट्रेस कर ली हैं, ये बड़ी सफलता है। और 2 गाड़ियाँ जो है उसके भी मालिक पता चल गए हैं, उम्मीद है वो भी संपर्क करेंगे। नहीं, यही लोग इसी तरीके से हैं, ये लोग लेट हैं, मतलब इनका ऐसा नहीं 2 ही लोग अपना है, अपना एक लोग देखता रहता है, एक लोग जैसे मौका मिलता उठा लेता है। अपने बाहर मिलते एक गाड़ी बस्ती की इनसे ट्रेस हुई है, मुंडेरवा बस्ती ट्रेस हुई, लेकिन बाकी जो 4 गाड़ियां हैं वो ज़्यादातर गोरखपुर की ही ट्रेस हैं, जिसमें एक कैंट थाने से, एक नौसर से है, 2 ट्रेस और की जा रही हैं, वो भी संपर्क करेंगे।